हम आपके लिए कम प्राइस में बहुत अच्छा मोबाइल लेकर आए हैं, और ये है वीवो का, क्योंकि हमने आपको सैमसंग के भी बताए हैं आपको, और उसके बाद ओप्पो का भी बताए हैं। हमने सोचा कि एक वीवो का भी मोबाइल हो जाए जो कि बहुत कम कीमत में और बहुत अच्छा मोबाइल है। इसकी प्राइस की बात करें वो आपको 50,000 रुपये में मिल जाएगा, और इसकी पिक्स आपको दिखा देते हैं, आप ये देख लें। इसकी जो बैक साइड है वो इस तरीके से है, ये आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिल रही है, दो कैमरे देखने को मिल रहे हैं, और ये इसमें कलर जो है आप ये दो देख सकते हैं, ब्लैक और ये पिंक। और इसमें हम इसकी और क्वालिटी में चलते हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। इसमें एंड्रॉयड आपको 14 OS देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें डायमेंशन जो है वो 165 डायमेंशन है, वेट जो है 119 ग्राम है, सिम जो है ड्यूल सिम, हाइब्रिड ड्यूल सिम है, और कलर जो है एग्रेट ग्रीन, क्लीनिंग ऑरेंज, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 4G तक देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रोसेसर की बात करें, ऑक्टा कोर 2 × 2.0 GHz का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडिया टेक हेलियन G85 सॉक्स है, और GPU मैली G57 MF4 है। टेक्नोलॉजी इसमें IPS LCD कैपेसिटी, टच स्क्रीन है, 16 M कलर है, और 6.68 इंचज इसकी जो है वो साइज़ है, और इसमें रेजोल्यूशन 720 से 1608 पिक्सल तक इसमें रेजोल्यूशन है। और इसकी मेमोरी की बात करें तो वो आपको 128 GB मेमोरी देखने को मिलेगी, और 8 GB इसमें रैम भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और आप इसमें ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके कैमरे की बात करें, आपको मेन कैमरा, बैक कैमरा 50 MP का देखने को मिलेगा, 2 MP जो है वो डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा, 8 MP फ्रंट कैमरा मिलेगा जो आपको HD वीडियो जो बनाने को है वो देख देगा। और जी हम इसकी बात करते हैं कैपेसिटी की, तो इसमें हर चीज़ें आपको सेंसर, आपको डाटा और कैपेसिटी हर चीज़ मिल जाती है। इसमें अगर हम बैटरी की बात करें तो आपको 6000 mAh की बैटरी दी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैटरी है। और इसमें 44 वाट का आपको चार्जर भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखें, अल्लाह हाफिज़।